हेलो हेलो, आवाज ना आ रही भाई साहब। वो जो लाल बटन था वो नहीं दबाना था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा है समय। तो भाई साहब, इस माइक को कहाँ लगाऊं, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। ओ गाइस, छोटी पॉकेट छोटी जेब, ये दिल है मेरा, क्या करूं, मैं मर जाऊं। तो गाइस, कैसे हो आप सब? अभी हम जिंदा हैं भाई। थैंक यू सो मच, आप इतनी मोहब्बत प्यार देते हो दिल से। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम धांसु आइडिया लेकर आए गाइस, जिक्र मानिए भाई साहब, मजा आ जाएगा, रोला कट जाएगा आज इस वीडियो में। क्या बात है सर। तो चले गाइस, ओ सॉरी, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हे साहब, बने रहो, दर्द हो रहा। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आइडिया नंबर 1 पर आते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी ये इंडक्टर काफी टाइप के होते हैं, और आई थिंक ये चिप इंडक्टर है, CHIP, और इंडक्टर की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है। तो भैया, ये मैंने कहाँ से निकाली है? ये निकाली गाइस मैंने ट्यूबलाइट से, जैसे भाई ये रहा, देख सकते हो। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये LED किट है। फिर भी गाइस, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ से आपको बहुत इजी मिल जाएगा। और गाइस, वैसे इन किट का आप काफी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चले गाइस, एक यूज तो बल्कि दो यूज तो गाइस आपको मैं ही बता दूंगा। तो भैया, जहाँ पर वायर लग रहे थे वहाँ पर आप वायर लगा लें, बल्कि 220 वोल्ट AC इसे दे। तो गाइस, ये अप्रोक्स जो आउटपुट देता है 110-120 ये आउटपुट देता है। तो लेकिन गाइस, वो DC होते हैं। जल गया। तो भैया जल्दी लगा ले। देखिए, ये कैपेसिटर लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आउटपुट के निशान पे लग रहा है, देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी गाइस ये आउटपुट DC दे रहा है, ठीक है। अब गाइस, मैं इसका प्लग डायरेक्ट बोर्ड में लगाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चालू कर दिया, ठीक है। अब भाई देखिए, अब गाइस यहाँ पर मैं टच करता हूँ, तो देखिए गाइस यहाँ पर काफ़ी हाई स्पार्क हो रहा है। देखिए, हर बार स्पार्क हो रहा है, हर बार। चलिए आपको पास से दिखाता हूँ। आप गाइस यहाँ पर स्पार्किंग के निशान देख सकते हो, देखिए, जो स्क्रू ड्राइवर की नोक है इस पर काफी निशान आ गए स्पार्क के। देखिए भाई, देखिए कितना स्पार्क उठ रहा है, देख रहे हो। तो भाई, हर बार ये स्पार्क दे रहा। देखिए, छोड़ दूंगा लगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप इसकी हालत देखिए, स्क्रू ड्राइवर की नोक देखिए कैसी हो गई है। तो गाइस, पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट देखिए। ये DC है, तो जो दिखा रहा है अप्रोक्स 100, देखिए, तो आप देख सकते हो खुद ही वोल्टेज कम ज्यादा से बढ़ गया, क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है। 110, 112, 113 गाइस ऐसे वोल्टेज दे रहा है, देखिए। तो गाइस, आप इसका यूज कहाँ कर सकते हो? देखिए, करंट तो बहुत कम होगा, सिंपल से बात है, लेकिन वोल्टेज सही है इसमें, है ना। तो गाइस, आप इसका यूज मॉस्किटो किलर किट की जगह कर सकते हो। भाई, मैंने भी ऐसा करके देखा नहीं है, हो सकता है गाइस मैं करके पहले देखूं, उसके बाद गाइस आपको बताऊं कि भाई ये मच्छर को मारने का काम कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस खाली स्पार्क निकलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो गाइस, जल्दी मैं ट्राई करूंगा, लेकिन गाइस आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो आप मुझे कमेंट आगे बता सकते हो गाइस, ये काम करेगा या नहीं करेगा। और सिंपल बात है, स्पॉट वेल्डिंग का काम नहीं करेगा, उसके लिए हाई करंट की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, आप ऐसी LED बल्ब को फेंक देते हो, तो भैया या तो उसे रिपेयर करो या भैया उसका यूज करो। तो भैया, अब हमें चाहिए कुछ LEDs, और गाइस कोई भी कलर की LED चलेगी। गाइस, तो थोड़ी सी रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये है रेड LED, और भाई साहब ये रहा इंडक्टर, और भाई इसे काट दो। गाइस, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं देखना, ठीक है, कैसे लगा दो। तो भाई साहब, अब हमें इसे ग्लो करनी है, यानी कि हमें जलानी है। तो गाइस, हम इस LED को चलाने वाले हैं वायरलेस अपने मोबाइल से। और भाई, मेरे पास OnePlus 8 Pro है, जो कि खराब हो चुका है, दूसरे मोबाइल की रिक्वायरमेंट है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना यार। तो गाइस, इसमें एक खास बात है, इसमें वायरलेस चार्जिंग है, मतलब ये रिवर्स चार्ज भी करता है। इसके ऊपर आप दूसरा फोन रख दोगे ना जो वायरलेस सपोर्ट करता है, तो गाइस ये चार्ज कर देगा उसे भी, और ये खुद भी चार्ज हो जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। तो गाइस, इसी से चलाएंगे हम इस LED को। असंभव भाई, सबसे पहले आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ऑन कर लेना है। देखिए, अभी ऑप्शन दिखा रहा है कि भैया मोबाइल रख दो मुंह पर, मैं चार्ज कर दूंगा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर मोबाइल को उल्टा रख देना, और भाई साहब इस कोयल को इसके पीछे रख देना। ओहो, भाई साहब देखिए, देख रहे हो, ये जल रही है भाई, देखो। तो काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, मतलब मस्त वाली वायरलेस काम कर रही है। हटाता हूँ, देखिए, है ना, कोई वायर नहीं लग रहा है। तो गाइस, ऐसा अपने मोबाइल से कोई भी LED वायरलेस जला सकते हो। और भाई, ये तो मैं एक जला रहा हूँ, 4, 5, 10 आपको कैसे जलानी हो, आपको बस इंडक्टर कोल ज्यादा चाहिए, आप आराम से LED को चला सकते हो। और गाइस, एक बात और, ये आपको देखने में लग रही होगी ब्लिंक हो रही है, गाइस ये हकीकत में ब्लिंक ही हो रही है। और गाइस, देखते हैं कहाँ तक काम करती है। यहाँ नहीं काम कर रही, यहाँ नहीं काम कर रही, हाँ यहाँ काम कर रही है, जहाँ पर गाइस इसकी कोयल है ना, वहां तक गाइस ही काम करेगी। तो गाइस, ये आइडिया जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी मजा आएगा बच्चों को भी, और गाइस आपको भी। ज्यादा देर मत कीजिएगा, वरना मोबाइल की बैटरी फुल हो सकती है। यू आर गुड। तो गाइस, फटाफट चलते हैं भाई साहब सेकंड वाले आइडिया पर। तो गाइस, दूसरे आइडिया के लिए मैं ले रहा हूँ एक लाइटर। नए नए आइडिया हो, और भाई साहब सिगरेट लाइटर ना हो, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। वैसे भाई साहब, बच्चों खेलने की चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, अरे वाह, खैर जो बात है,
तो भाई हमें इसकी क्या चाहिए, हमें इसकी मशीन चाहिए, बाकी जी हमारे काम की नहीं है। अब गाइस यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी एक व्हाइट पेपर और व्हाइट टेप, तो भाई मैं इसे पहले चिपका देता हूँ ना, जिससे कि हमें थोड़ी सी आपको दिखाने में आसानी रहे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। लो भाई हो गया, इसकी भाई थोड़ा सा वायर छील लेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो भाई मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ और इसकी एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये भाई मैंने अलग अलग डिजाइन की लाइन आपके सामने बिल्कुल ड्रॉ करी है, पहले दोस्तों इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो भाई मैं कोई भी एक वायर लूंगा, वायर को छील कर इस पर लपेट देंगे, तो भाई इस पर टेप लगा देंगे या हीट सिंक भी लगा सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ गाइस, इस पर कैसे पूरी और बिजली आएगी। देखो भाई आई लाइन, अरे भाई करंट लग गया, बाबा करंट लग रहा भाई साहब। और गाइस प्लायर के साथ मैं कर रहा हूँ तब भी गाइस करंट लग रहा है, कोई बात नहीं गाइस। सबको लाइन चेंज कर दी मैंने, टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे देखते हैं करके। ओ भाई साहब पता है भाई आपको चमका होगा या नहीं चमका होगा, लेकिन भाई काम कर रहा है, देखिए। तो गाइस 100% वर्किंग है। और भाई साहब मैं 4 बार करंट खा चुका हूँ, एक दो बार तो कैमरे का आगे बाकी टाइम कैमरे के पीछे, लेकिन भाई साहब यकीन मानिए 100% वर्किंग है। और गाइस यकीन मानिए कैमरे ने नहीं कैप्चर किए, तो भाई मुझे मोबाइल से बनानी पड़ी वीडियो, मोबाइल में थोड़ी अच्छी क्वालिटी नहीं आई थी, तो गाइस नाइट का मामला था ना, मैंने लाइट बंद कर दी थी, लेकिन भाई साहब आप आंखों से देखोगे ना अपनी, तो भाई मजा आ जाएगा। लाइन चाहे ऐसा कर दो चाहे टेढ़ी कर दो गाइस, वो लाइन जाएगी इसी तरीके आपको शो भी होगी। एक मैंने यहाँ लगाई थी और भाई एक मैंने यहाँ लगाया था, भाई साहब पूरी पर लाइन खींची वो आपको नहीं दिखाई थी कैमरे पर, फिर गाइस मैंने पर ट्राई की भाई, तो इस तरीके से देखिए जैसे है ना, अभी ऐसे इस पर ट्राई करूंगा तो ऐसे ही जाएगी। तो गाइस प्लीज ये वाला एक्सपेरिमेंट आप जरूर ट्राई करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा झटके बटके झेल लोगे कोई दिक्कत, आप काफी मजबूत लगते हो मेरे को, और वाइस वैसी मर्द को दर्द नहीं होता तो वो बात अलग है, चीजें लगती है। तो गाइस फटाफट चलते हैं तीसरे आइडिया पर। तो गाइस यकीन मानिए तीसरा आइडिया आपके काफी काम आएगा, तो भाई मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ कि गाइस आखिर आपको ये कैसे काम आएगा। ये गाइस मैंने काफी पहले सोचा था, लेकिन भाई कभी कभी होता ना कर देंगे आप कर देंगे। तो गाइस ये रही ग्लू गन, आपको पास भी होगी, काफी चीप मिलती है। अब गाइस इसमें सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो भाई इसे ऑन कर दो या इसे ऑफ कर दो। ऑन कर देते हैं तो भाई ये बहती रहती है, लेकिन भाई अगर आपको इसे थोड़ा सा स्लो करना हो, यानी कि थोड़ा कम हीट आपको इसे करना हो, तो भाई कैसे करोगे, आपको सीधा इसे ऑफ ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं गाइस आप इसे कम हीट कर दो, मतलब कि ये हीट होते रहे कम होते रहे, जब भी आपको जरूरत हो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो और भाई अपने यूज में ले सको। तो आज इसी का हम जुगाड़ करने वाले हैं, एक आइडिया है छोटा सा गाइस आपको काफी पसंद आएगा, तो भैया फटाफट इसे खोल लेते हैं। भाई खोलना तो बच्चों का खेल है, और ये खुली, ओह अच्छा ये नहीं खुलने देगा, करा पहले मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ चले निकल गए तेरे ऊपर से। तो गाइस मैं लेकर आऊँ जो कि गाइस काफी घटिया क्वालिटी का एक फैन रेगुलेटर है, और ये मुझे ओनली 35 रुपीज का मिला है, ये इतनी पावर की नहीं होती, तो 60 वाट की ओनली। हाँ अगर आपको थोड़ा अच्छा कंपनी का लाना हो तो भैया ला सकते हो। तो गाइस इसकी गारंटी और अंतिम सब हटा देंगे, तो इसमें छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ गाइस, ये तो ऐसा आएगी नहीं क्योंकि गाइस ये काफी बड़ी है, तो भाई मुझे ऐसा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब भाई साहब काट के छोटा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी जो मशीन है वो हम निकाल सकते हैं। ये जी भाई इसकी किट, ये गाइस हमारे काम की है, कनेक्शन बहुत हलवा है, इससे गाइस हीटिंग कंट्रोल होगी। तो भैया अब मेन मुद्दा है कि इसे लगाएं कैसे, तो सिंपल से बात है गाइस ये जो स्विच है इसके में कोई भी जरूरत नहीं है इसे लगाने के बाद, क्योंकि ये ऑन भी कर देगा ऑफ भी कर देगा, हीट इसकी कम भी कर देगा, बढ़ाएगा नहीं, मैक्सिमम तो गाइस वही रहेगी जो उसकी रहती है, लेकिन कम कर देगा। तो गाइस फटाफट इसे हटाते हैं और इसे लगाने की कोशिश करते हैं। इस कैपेसिटर को मैंने थोड़ा सा ऐसे लिटाल दिया भाई, जैसा कनेक्शन इसके हो रहे ना सेम वही कनेक्शन है, ये दो बार मैं निकाले स्विच से, ये दो बार गाइस आपको यहाँ लगा रहे हैं जहाँ पे लगे हुए। लीजिए भाई साहब ये लग चुकी है, अब इसकी भाई टेस्टिंग करते हैं, मैं इसे जब भी लगाऊंगा जब ये मुझे पता लग जाएगी ऑफ कहाँ से है और ऑन कहाँ से है। तो लगाते हैं, तो भाई साहब इसकी लाइट अभी नहीं चल रही है, और ये रहा इसका नोब, तो भाई नोब मैं लगाता हूँ किधर है, ओहो तो गाइस ये इसका ऑफ है, तो भैया यहाँ पे मार्क लगाता हूँ, एक दो नंबर तो गाइस इस पर ऑलरेडी लिखे हैं, बस आपको पता लग जाएगी यहाँ से ऑफ है, यहीं से स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। अरे वाह ऑन हो गया, अरे वाह ऑन हो गया। तो गाइस मैं लाइट बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट कम तेज हो रही है नहीं हो रही। तो गाइस मैं इसे ऑन कर रहा हूँ और अभी मैं एक पकड़ रहा हूँ, तो गाइस काफी कम लाइट जल रही है, लेकिन भाई साहब आपको ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही होगी, ये कैमरे का कमाल है या कैमरे का बवाल है जो भी है। चले गाइस मैं इसे फुल करता हूँ, देखिए बड़ी और बड़ी, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बंद होगी। तो गाइस यहाँ पर ही फुल है और भाई यहाँ पे सबसे कम है, तो गाइस ये काम कर रहा है मस्त। आखिरकार आपको इससे फायदा होगा क्या? तो गाइस फायदे होगा मैं आपको बताऊं, देखिए जब गाइस आपको इसका यूज करना हो तो भाई साहब चटकनी ऑन करी और भाई इसे फुल पर लगा दी, यानी कि अभी फुल पर है ना, अच्छे से
अरे भाई हमने काफी टेस्टिंग ली ना इसकी, फुल पे कर दो भैया 7 पैसे, ठीक है। और भाई आपको काम हो जाए ठीक है, लेकिन अभी आपको और भी काम करना है। ऐसा होता है ना कि हम किसी काम में लग जाते हैं, तो भाई साहब इसे फटाफट कम पे कर दो, बिल्कुल ठंडी नहीं होगी गर्म रहेगी, यूज करना हो फुल पे कर दो, 1 मिनट मेरा लगने का भाई साहब फुल हो जाएगी, तुरंत निकल जाएगी। वैसे गाइस ये ऑटोमेटिक निकलने लगी क्योंकि मैंने आपको टेस्टिंग दिखाई थी ना, तो भाई अब मैं इसे कम पे कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इससे बहुत सारे फायदे होंगे, एक तो गाइस आपका टाइम बचेगा, बार बार आपको गर्म या ठंडी नहीं करनी पड़ेगी, दूसरी बात गाइस आपकी ग्लू स्टिक बचेगी, तीसरी सरदर्दी बचेगी और आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे, और गाइस एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये निकलना बंद हो जाएगी, तो गाइस आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस आई होप ये वाला आइडिया गाइस आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और भाई अपडेट चलते हैं चौथे नंबर आइडिया पर। तो गाइस फोर्थ आइडिया भाई बहुत सिंपल है, काफी यूजफुल है यार गाइस, एक डीटीएच रिमोट बच्चा सारा का सारा मूड खराब कर दिया लेट है यार, सत्रह ने मूड खराब कर दिया, सारा फ्लो खराब कर दिया। हाँ गाइस मैंने शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि इस बच्चे ने लात मार दी थी भाई, चप्पल चिपकी थी, सफेद टी शर्ट थी ना। खैर जो बात है भैया, हम कहाँ थे? तो गाइस हम थे रिमोट पर। तो गाइस हम एक छोटा सा जुगाड़ बनेंगे, तो भाई इसके लिए थोड़े से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो भाई साहब ये रहा पुराना डीटीएच, और ये काफी पुराना, लगभग 6-7 साल पुराना गाइस ऐसी पड़ा है। हाँ मैंने साफ कर दिया था बीच में भाई, ये फिर ऐसी हो गया। तो गाइस इसे खोलते हैं, देखिए ये रहा भाई इसकी सप्लाई और ये रहा इसका कार्ड। भाई मैं छोटा सा था ना, तो गाइस देखिए कारस्तानी कुछ ना कुछ करता रहता था भाई, ये काफी हीट हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने हीट सिंक लगा दी, मतलब हीट सिंक था एक एल्युमिनियम की छोटी सी प्लेट थी, उसे मोड़ मार के मैंने उसका हीट सिंक बना दिया। तो गाइस हमें इसका पैनल खोलना आगे का, कुछ स्क्रू निकालो, ये खुल गया। गाइस कोई भी चीज कबाड़ा नहीं होती हमारे में, तो भाई इसमें से हमें एक छोटा सा कंपोनेंट चाहिए, मैं आपको सीधा दिखाई देता हूँ बताने से क्या फायदा। तो भाई देखा इसकी डिस्प्ले भी काफी काम की है, आईसी भी काम की है और इसके स्विच काफी काम के हैं। ये रहा आईआर रिसीवर, ये चाहिए भाई हमें यहाँ पर, सेंसर लिखा भी है, तो ये सेंसर कह सकता है एक ही बात है। और भाई इसे हम निकाल लेंगे, निकल जाता, निकल गया। इसके बाद गाइस हमें चाहिए कोई भी कलर की एलईडी, इसने भाई एक हेलमेट पहन रखा, रक्षा कवर, तो इसे उतार भी सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भाई कनेक्टर बहुत ही है आपके सामने, देखिए यहाँ पे लगाना एलईडी का पॉजिटिव और दो साइड लगाना एलईडी का नेगेटिव। वाह क्या टाका लगा है, आजकल हमसे सोल्डिंग में नहीं हो पा रही, लगता है हमारे अंदर का विटामिन सूख गया है। अच्छा सूख भी जाता है, तो ये यहाँ लगाओ पॉजिटिव और भैया मिड वाले सेंसर पे नेगेटिव वाला लगा दिया, बस भाई बन गया। देखो कितना सिंपल है, छोटा सा एक तरह जुगाड़ बनाया है। अब भाई इसमें ले रहा हूँ 1850 लैपटॉप की बैटरी, आप कोई भी मोबाइल की बैटरी भी ले सकते हो। भैया वही कनेक्शन करने, नेगेटिव तो ग्रीन है और भैया पॉजिटिव है येलो वाला, बस देख गाइस अभी एलईडी चल नहीं रही, ठीक है देख सकते हो। तो भैया अब इसकी फटाफट टेस्टिंग करते हैं, ये रहा गाइस रिमोट, ओ देखिए गाइस देख रहे हो बढ़िया काम कर रहा है। आई होप गाइस आपको एलईडी चमक रही होगी, और भाई ये तो कुछ नहीं बहुत दूर से काम करता है, चलो मैं आपको इसकी सही से टेस्टिंग कराता हूँ। देख गाइस लगभग 2 मीटर में दौड़ूँ, देखिए भाई देखिए मस्त चल रहा है। गाइस पूरे स्टूडियो में लास्ट तक चला गया हूँ, ऊपर भी चढ़ गया हूँ, यह मस्त काम कर रहा है, ठीक है बेहतरीन। और भाई आप इस एलईडी की जगह कोई छोटा सा बजर भी लगा सकते हो, चले गाइस एक छोटा सा बजर में लगा आपको दिखाई देता हूँ। तो गाइस मैंने छोटा सा बजर ऐड कर दिया है, सीधा एलईडी में लगा दिया वायर पॉजिटिव देखकर, देखिए मैं सही से दिखाता हूँ। बढ़िया अभी तो गाइस चल रहा है, ठीक है इसके भाई सैरो निकल के दिखाता हूँ, कभी आपको लगे कि समर, देखिए नहीं चल रहा, ठीक है भाई सैर लगाता हूँ, देखिए ठीक है। तो कोई सा गाइस आप बटन दबाओगे सारे बटन ठीक है, रिमोट के रिमोट बिल्कुल ओके। और गाइस पर आप कोई भी रिमोट टेस्ट कर सकते हो, ये तो आपने कर ही लिया, हटाते हैं देखिए, ये रहा टीवी का रिमोट, ठीक है बढ़िया भैया वाला, ठीक। तो गाइस कोई भी चीज़ कबाड़ा नहीं होती, अगर मैं इस सेंसर को मार्केट से लेगा तो गाइस काफ़ी वक्त लग जाता, मिल तो जाता आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आया रिसीवर है, आप आराम से ला सकते हो, 4-5 को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप ये चारों आइडिया आपको अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और गाइस इन चारों को आप ट्राई जरूर करें। गाइस जो लाइट वाला था ना भाई वो जरूर ट्राई करें, काफ़ी मजा आएगा और गाइस काफ़ी धमाल मचाने वाले आप।